वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ MHD ऑन व्हील। तो आज अलग अलग जगह जा रहे हैं, इसीलिए दोनों साइड से टक्कर हो गया। तो हम निकल रहे हैं, मैं और मेरा बेटू निकल रहे हैं हमारे होम टाउन जो कि है बलांगीर। दास जी हमें छोड़ने जा रहे हैं, पार्टी है, मतलब अभी बहुत सारा फंक्शन है वहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारा पार्टी है, सॉरी वहाँ पे बहुत सारा पार्टी है, तो अटेंड करना जरूरी है। तो मैं और बिटू पहले से जा रहे हैं ना। बिटू कहाँ जा रहे हैं? बलांगीर में कौन रहते हैं? नानू दादा। मेरे पापा जी को वो नानू दादा बोलता है, तो उनके घर हम ठहरेंगे अभी। यहाँ से जाएंगे तो 1.5 साल बाद करीबन, ना अराउंड 2 साल बाद हम अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। और दास जी लोग, ये लोग जाएंगे 3-4 दिन बाद सासूमा और ससुर जी के साथ। तो गांव में भी फंक्शन है, बहुत सारा है, अभी 4-5 फंक्शन है। तो हम लोग एक आज है जो रात को मैं अटेंड करूंगी, जो कि मेरा जो रीजनल ब्लॉग है उसमें आएगा। अभी हम पहुंच गए गांधी चौक, जो कि हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है, और यहां से झारसुगड़ा और 12-13 किलोमीटर दूर है। आज बहुत ही ट्रैफिक जाम था, तो जिस दिन हड़बड़ी होती है उसी दिन ज़्यादा ट्रैफिक भी मिल जाता है। तो कोई बात नहीं, पहुंच ही जाएंगे टाइम में। और अभी 3 बजे है ट्रेन का टाइम, तो 5-10 मिनट इधर उधर हो ही जाएगा। तो गांधी चौक क्रॉस करने के बाद एक टोल गेट आता है, तो ये टोल गेट में अगर आपका झारसुगड़ा का नंबर है तो फ्री है, नहीं तो और कोई दूसरा नंबर है तो जाने का 50 और आने का 50। अगर फर्स्ट टैग है तो 75, जाने का 50, आने का 25। लेकिन हमारा तो संबलपुर का नंबर है, इसीलिए हमें हर बार यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। यहाँ से हमें जाने में झारसुगड़ा से हम ट्रेन लेंगे, इस बात जो है आप लोगों को पता होगा। तो उस ट्रेन में जाएंगे तो करीबन 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है, और लेट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ट्रेन पकड़ में आ जाएगी, कोई बात नहीं है। क्यों दास जी? आराम से वो सेफली ले जाएंगे हमें और छोड़ के जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? तो अभी 3 दिन रुखा सुखा उनका जाएगा, फिर जब पहुंचेंगे बलांगीर फिर घूमना फिरना होगा। तो उनको अच्छा नहीं लगता उनके बीवी बच्चे कहीं चले जाएं तो। क्यों? सही बात की झूठ बात? और केसु का पीछे रोना धोना शुरू हो गया, उसको हम बोले कि आप बात करो, तो वो नहीं बात किया। जब मैंने बात करना शुरू किया तो उसको तकलीफ हो गई, और जब डांट पड़ गई तो फिर शुरू क्या। तो चलिए फिर मैं आपको झारसुगड़ा स्टेशन में मिलती हूँ। रुठ के हमसे कभी जब चले जाओगे तुम, हॉस्टल चले जाओगे? बिट्टू नहीं गाना है मेरे को, फिर मैं यही गाना गाऊंगी। रूट के तो तू हॉस्टल नहीं जाएगा, रूट के मैं ही हॉस्टल भेजूंगी। अभी हम पहुंच गए हैं गोल चक्कर, तो यहाँ से सीधा जाएंगे रेलवे स्टेशन। ऑन टाइम नहीं, बिफोर टाइम हम पहुंच गए। तो अभी रिलैक्स होके जाएंगे स्टेशन की तरफ। तो पहले लगेज निकालते हैं, दो माँ बेटे जा रहे हैं, फिर भी बहुत सारा लगेज है, शादी में जा रहे हैं ऑब्वियसली होगा, और थोड़ा जो कुछ भी है वो दास जी बाद में लेके आएंगे, राइट।
चल कैसो अपन यात्री माने बारा करे ध्यान में लो गाड़ी नंबर 18478 ऋषिकेश पूरी एक्सप्रेस दूरी नंबर प्लेटफॉर्म रे हमारा अनाउंस हुआ सोच रही थी लेकिन हमारा गाड़ी नहीं हुआ गाड़ी संख्या 18 आ जाओ अपना ट्रॉली पकड़ोगे आ जाओ बैठे रहोगे क्या पूरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है योर अटेंशन प्लीज ट्रेन नंबर 18478 योग नगरी ऋषिकेश No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on दास जी चाय लेके आए और हम लोगों ने चाय पी और पानी भी लेके आए हैं बोतल हम लोगों के रास्ते के लिए और अभी एक वो गुड्स वाला गाड़ी था उसके जाने के बाद हमारा गाड़ी अभी आ जाएगा वो जब खाली होगा ट्रैक तो उसके बाद इस बात यहाँ पे आएगा तो हम उसमें चढ़ जाएंगे फिर हम घर भी चले जाएंगे होते ही ट्रेन हमारी पहुंच गई तो हमारा जो बर्थ है वो एसी में है जो कि सेकंड एसी है लेकिन दिक्कत ये हुई कि वो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उसके बाहर लिखा कहीं पे भी नहीं था कि ये C1 है ये C2 है तो हमें हर जो भी पैसेंजर उतर रहे थे उनको पूछना पड़ा कि ये C1 है या C2 है हालांकि प्लेटफॉर्म में जो शो करता है डिस्प्ले में वहाँ पे दिखा रहा था लेकिन उसके अगेंस्ट में वो वाली ट्रेन मतलब बॉगी नहीं थी तो थोड़ी दिक्कत उस टाइम थी ज़्यादा लगेज होने से तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं बैठ गए अपनी जगह पे हम तो अभी शुरू हो जाएगा दास जी का कॉमन डायलॉग कभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो बोलते हैं हाथ बाहर मत निकालना हालांकि एसी में तो हाथ बाहर निकलेगा नहीं कोई कुछ देगा तो खाना मत और सेफली घर पहुँच के मेरे को फ़ोन कर लेना ¶¶
बिट्टू अपने हिसाब से सेट हो गया, जो भी खरीदा था वहाँ पे कैंटीन से चिप्स और वो लॉटी चोको पाए, सबको निकाल के टैप पकड़ के बैठ गया। और हमारा ट्रेन अभी छूट चुकी है और दास जी भी बाहर बाय कर रहे हैं, पूरा क्लियर दिख रहा था इसीलिए मैंने सूट भी कर लिया। तो दो दिन बाद वो भी आ जाएंगे, फिर शादी की मस्ती शुरू हो जाएगी। माँ बेटे अभी पूरी तरह से सेट हैं, वो भी बाहर विंडो से झांक रहा है और अपना बिस्किट एंजॉय कर रहा है। मुझे उसने बोला खरीदने के लिए जो पेंट्री से आता है बिस्किट। ट्रेन में बैठते ही मैंने याद किया, जब बेटू 8 महीने का था तभी हम उसे बेलपहाड़ लेके आए थे। पहले तो हम सेटल थे बलांगीर में ही, तो उस टाइम बहुत ही छोटा था तो ट्रेन में बैठने के तुरंत बाद सो जाता था। अभी तो उसका मस्ती पूरी तरह से जारी था और थोड़ी देर बाद जब हम बरगढ़ क्रॉस कर लिए उसी टाइम वो सो गया। पहले गोदी में सो जाता था, अभी उसे प्रॉपरली जगह चाहिए तो मुझे बैठने से पहले ही पूछता था कि मम्मी ये सीट सोने के लायक है कि नहीं। तो जैसे तैसे होके सो गया और अभी हम ये बलांगीर पहुंच गए तो बैग फेंक पकड़ के मैं खड़ी हूँ बाहर जाने के लिए। अभी थोड़ा टाइम अभी भी बाकी है। बलांगीर के बाद और दो स्टेशन है सैंतला और टिटलागढ़। देखिए ट्रेन किस तरह से खाली हो चुकी है। तो अभी मैंने अंधेरे में थोड़ा जो लाइट एक दो दिखा वो मैंने शूट किया है। तो ये बलांगीर एंट्री हम कर चुके हैं। जब भी ये नज़ारा मुझे देखने को मिलता है हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि ये मेरा बर्थ प्लेस है और बहुत सारी इमोशंस जुड़ी है हमारी इस जगह से। तो चलिए आपको घुमाएंगे बलांगीर नेक्स्ट किसी और व्लॉग में। हाँ, हम बलांगीर में हैं, नानू दादा हमको लेने आए हैं और हम फिर हम नानू दादा के घर जाएंगे कार से मामा को मिलने। वहाँ पहुँच के हम बहुत सारे मस्ती करेंगे फिर, और बाद में जो कटाकोटी होगा वो बाद में होगा, जो होगा बाद में होगा। तो ये था बेटू का वर्सन। तो हम पहुंच गए बलांगीर स्टेशन। ट्रेन 2 मिनट यहाँ रुकती है और आगे चली जाएगी, जैसे कि मैंने बोला टिटलागढ़ लास्ट स्टॉपेज है ट्रेन का। तो चलिए फिर, पापा आ गए हैं, हम जाएंगे घर।
हम पहुंच गए अभी मैं और बिट्टू घर, और ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने बोला था कि करीबन दो साल बाद हम लोग इस पाथ में, इनफैक्ट ट्रेन में जर्नी किया हम लोगों ने, तो ठीक ठाक था। जब बहुत छोटा था तभी जाता आता था मेरे पास, तो सो जाता था अभी, लेकिन उसका मस्ती चालू रहा। और लास्ट में जब 20 या 30 किलोमीटर थी बलांगीर, तभी उसने सोने का जीत किया और थोड़ा सा सो भी लिया। आप लोगों को मैंने दिखाया भी। तो चलते हैं, दास जी 3 दिन भी आप बाद आएंगे, तो जो भी ब्लॉगिंग हो आपके साथ शेयर करूंगी। फिर भी बहुत जगह घूमने जाना है और बहुत सारा सरप्राइजिंग प्लेस आपको दिखानी है। तो बने रहिए चैनल में, फिर मिलेंगे और एक नए ब्लॉग और एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।